अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नताशा वकास, और आज का जो ब्लॉग है वो मैंने ज्वेलरी मंगवाई थी निकाह के लिए, तो वो आ चुकी है, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। और दूसरा, मेरी नंद का बेटा हुआ था तो मैंने उनके लिए रिंग मंगवाई थी, तो उसके साथ मैंने डब्बियाँ जो थी वो ये वाली ली थी, जो कि मुझे रिमशा यूट्यूबर हैं उनसे मैंने मंगवाई है, और उन्होंने मेरे से चार्ज नहीं किया उन डब्बियों के लिए। सो नाइस ऑफ हर। और ये इतनी प्यारी है ना ये डब्बियाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, इतना प्यारा ओपन होती है, ये देखें इस तरीके से। और यहाँ पे बीच में रखनी है वो रिंग, और ये उन्होंने मुझे मुल्तान से भेजी है, इवन कि वो अभी इटली है, और तो मैंने उनकी देखी थी और मैंने कहा यार मुझे ये चाहिए चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे दो बस मंगवा के, और आप मुझे चार्जेस बताओ क्या है, मैं आपको पे करती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं पैसे नहीं लेने। मैंने, और इतनी क्यूट लग रही है ये, देखें आप, इतनी प्यारी गाड़ी बनी हुई है चारों तरफ से, एक कवर, एक हमारी छोटू सी रिंग, इसमें से गिर ना जाए, बहुत क्यूट है, पूरे व्हील बनाए हुए हैं चारों तरफ। और मुल्तान के सराफा बाज़ार से उन्होंने मुझे बनवा के वहाँ से स्पेशल भिजवाई है, तो ये देखें। ओके, अब इसके बाद मैं आपके साथ ज्वेलरी शेयर कर दूं कि जो ज्वेलरी मैंने मंगवाई है वो किस तरह की है। तो ये ज्वेलरी है, यहाँ बैठ जाती हूँ, अब आपको सही नजर आए। टन बहुत ठंड हो गई है वापस से यार, सर्दी जाती है फिर वापस आ जाती है, फिर जाती है फिर वापस आ जाती है। अच्छे से मैंने शॉल को लपेटा हुआ है, पार्सल मैंने निकाल लिया है इसके अंदर से, क्योंकि जो निकाह का लुक था ना जो मैंने किया था वो मुझे रिक्रिएट करना पड़ेगा, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने सिर्फ बारात के और वलीमे के लुक रिकॉर्ड किए थे, जो कि मैंने अभी आई थिंक वलीमे का अपलोड कर दिया था गेट रेडी, बारात का अभी तक मैंने नहीं किया, आई विश या आज या कल में मैं कर दूँ। बाकी मेहंदी का, और मेहंदी पे मैंने वो ग्रीन वाला ड्रेस पहना था जो बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरे ऊपर, अंदाज वाला से लिया था मैंने, वो पहना था मैंने, तो उसके ऊपर तो लुक बनता ही बनता है। सीजर ले आई हूँ, इसको सीजर से कटिंग करती हूँ मैं इस तरीके से, और फिर ओपन करती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं बाहर गैराज में, बलाल सो रहा है, अभार सो रहा है, अरमिश और तस्वीर खेल रहे हैं, तस्वीर पेपर दे कर आ गए थे, कारी साहब आए थे तो वो सिपारा पढ़ा कर चले गए हैं उसको, तो उसने कहा है कि मामा थोड़ी देर में खेल लूँ, तो मैंने कहा आप खेल लो थोड़ी देर। ओके, तो ये ज्वेलरी थी जो मैंने निकाह के लिए मंगवाई थी, कि मैंने निकाह का लुक क्रिएट करना है तो मुझे उसके लिए ज्वेलरी चाहिए। उस पेज से मैंने मंगवाई थी, इनका नाम है ज्वेलरी सिटी, इंस्टाग्राम पे पेज है इनका, और ये इनका नंबर है। लुक ज्वेलरी है जो मैंने मंगवाई थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज ओके। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इसके एयररिंग्स और झूमर। लुक, ये इसका झूमर है जो हमने यहाँ पे पहनना है, ये बड़े सारा ओके तो ये इसके एयररिंग्स हैं, हाउ ब्यूटीफुल, और कुछ मोती भी निकल गए हैं इसके, भी मुझे दोबारा अटैच करने पड़ेंगे। खैर, एयररिंग्स हैं दोनों, और ये है इसकी बिंदिया, इस तरीके की हैं, आई होप मेरे पे अच्छी लगे, लवली। और साथ में इसका था माला सेट जो होता है इसका, ये वाला, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है ये। स्पेशली ना मुझे ये चाहिए था तो मैंने इसकी वजह से मंगवाई है ये। तो ये इस तरह का इसके साथ का ये सेट था, माला सेट, तो मुझे ये चाहिए था स्पेशली, क्योंकि ये और ड्रेसेस के साथ भी यूज हो जाता है, कि कोई कैजुअल ड्रेस है आपका तो आप उसके साथ भी यूज कर सकते हैं इसको, तो इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया था। खैर, अब मुझे मिल गया है ये, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी ही इसके अंदर वीडियो लुक क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा यार ड्रेस है एक और, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, कि मैं निकाह का लुक इस ड्रेस में बनाऊं या वो पिंक वाला ड्रेस में बनाऊं, क्योंकि और तो मेरे पास अभी कोई ड्रेसेस है नहीं। जब मैंने पिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट किया था तो मैंने पुराने सारे कपड़े दे दिए थे, मेरे पास सिर्फ वही है जो मैंने अंदाज से मंगवाए थे, एक ग्रीन और एक पीच पड़ा हुआ है, शरारे वरारे कुछ भी मेरे पास इस टाइम पे नहीं पड़े हुए कि जिसमें मैं निकाह का लुक क्रिएट कर सकूं। तो खैर, मैं आपको पर्पल वाला ड्रेस दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं कि इसमें निकाह का लुक क्रिएट कर दूं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का है। ऐसा ड्रेस है ये, इसके ऊपर इस तरीके की, ये देखें, ये शॉर्ट फ्रॉक है और इस पर दोनों तरफ पाइपिंग हुई हुई है इस तरीके की, ये, और दोनों तरफ से ना टेल है इसकी, ये देखें ऐसे, और बाजू का स्टाइल है इसका ये वाला, फ्रिल स्टाइल है इसके बाजुओं का, और जिसके साथ ट्राउजर है वो ये वाला है, ये इस तरीके का, ये मैंने स्टिच किया देखें, ये मैंने नेट से डिजाइन देखा था और फिर मैंने इसके इस तरीके से सेम स्टिच किया था, ये देखें, इस पे मैंने यहाँ पे ये लगाया था बटरफ्लाई बना के,
जिस तरह से इस फ्रॉक के पीछे होता है, और फिर ये मैंने हाथों से पर्ल लगाए थे दोनों साइड पे इसके, और ये ना ऊपर से प्लेट्स डाली हुई है इसकी फिटिंग में, और नीचे से थोड़ा सा ऐसे आता है जैसे शरारे का लुक आता है ना, उस तरीके का आता है, और पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है ये। जब आप पहनो ना ऐसा लगता है जैसे शरारा पहना हुआ है, और ये जो दोनों इसके लगे हुए हैं इसके ऊपर बो, और वो साइड्स पे आ जाते हैं, बहुत प्रीटी लगता है। ये देखें दोनों साइड्स पे इसके इस तरीके से पर्ल स्टिच किए थे मैंने खुद, आपको नजर आ रहा है ये। तो इसके साथ दुपट्टा है ये वाला, सिंपल दुपट्टा है टिश्यू का, सिल्वर कलर का, इसके ऊपर फ्रिल लगी हो तो और ज्यादा प्यारा लगेगा ज्वेलरी के साथ, या फिर इसी ड्रेस पे क्रिएट करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। जो ये इयररिंग्स का मोती गिरा हुआ था ये मैंने वापस डाल के टाइट कर दिया कि ये खराब ना हो ज्वेलरी, तो बहुत प्यारी लग रही है, और ये है भी बहुत रीजनेबल। मैं इसका लिंक वगैरह डाल दूँ, किसी ने लेनी हो तो इनसे जाके ले लेना आप। बाकी ये काफ़ी टाइम से जो मेरा एल शेप सोफ़ा है ना, मैंने उसका कवर मंगवाना था, मैंने इस पेज को ऑर्डर किया हुआ था के लाइन इन एजी होम, स्क्रीन शॉट डाल रही हूँ लेकिन गलती से मेरे पास आ गया मैट्रेस कवर, तो अभी आगे आपको हमारे डिस्कशन से पता चल जाएगा। मैंने उनको कहा था कि डार्क कलर भेजना ताकि बच्चे गंदे ना करें। क्या लिखा हुआ है, सोफ़ा कवर, और क्वालिटी वाइज तो अच्छे लग रहे हैं, वैसे खोल के ज़्यादा सही पता चलेगा। आपको समझ में आ जाएगा कैसे बिछाना है? ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, तो खोलो ना, अगर ये लग गया मुझसे तो फिर दूसरा खोलेंगे। ठीक, कपड़ा तो अच्छा है। अच्छा है, कौन सा है, ये बने बनाए हैं या कैसे हैं ये देखो ना। हाँ देखे ना, लास्टिक लगा हुआ है ये ना, ये हाँ उन्होंने उन्होंने मेरे से पिक्चर मांगी थी सोफे की, उस हिसाब से दिया है। है ये मेरे ख्याल से इन्होंने बेड का भेजा है एक्स्ट्रा कि सोफे का ही है, कवर पिक्चर क्या बनी है, बेड की नजर आ रही है। नहीं नीचे सोफे के भी है, दूसरा वाला खोल के देखें क्या लिखा हुआ है। 80% कॉटन, 20% पोलिस्टर, ये इन्होंने बताया हुआ था कि वाटर वगैरह पानी वगैरह एब्जॉर्ब नहीं करता, ऊपर से आप उठा लें। फिट फॉर मैट्रेस फ्रॉम 180 to 200 सेंटीमीटर। तो स्टोरी ये थी कि मंगवाया सोफ़ा कवर था, आ गए मैट्रेस कवर दो, तो मैंने उनको मैसेज किया, पिक्चर भेजी कि भाई ये तो इतना घुल घुल के भी सोफ़े पे चढ़ ही नहीं रहा, तो उन्होंने कहा ये मैट्रेस कवर आ गए हैं आपके पास, चलें आप इनको मैट्रेस पे चढ़ा लें, अब देखें सोफ़ा कवर का क्या बनता है। तो आगे हम इसको मैट्रेस पे चढ़ा लें, तो मैं आपको दिखाने लगी उनकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। बेडशीट तो हटा लो, ये मुझे देना बेडशीट, अब लगाएं। शॉपर उतारने की जरूरत है या बिछी रहने दें? नहीं शॉपर रहने दें, क्योंकि ये स्प्रिंग मैट्रेस है ना, इसका इतना मसला होता है सारा दिन, मुझे चादरें सीधी करनी पड़ती है। अनार बाद में खाना, पहले मेरा काम कर जल्दी से। आपके साथ हेल्प करवाओ या कर लेंगे? तो मोबाइल पकड़ा हुआ है ना मैंने, ट्राईपॉड पर लगा देती हूँ उसको, ठीक है। मोबाइल मैंने ट्राईपॉड पर लगा दिया, बहुत भारी है, आप हाथ मत देना, आप इसको डलवाएं। सही बात है, बहुत वजनी है। हाँ तो नहीं आ गया, अच्छा तो भी इसको सीधा करें ना, ऐसे सीधा है, और ये चौड़ा देखें किस, हाँ ये इस साइड आएगा, ठीक है। दो कवर है, एक उस कमरे में बेड रेस्ट पर डालूंगी, एक जिस कमरे में यहाँ डाल दूँ। देखें पावरफुल वुमेन, इस सारा नीचे करें, अब अल्लाह करे इसके ऊपर बेडशीट फैल जाए। एक भी लास्टिक तो नीचे जाने दें, चारों तरफ नीचे से आ जाएंगे लास्टिक पे। ओके तो पानी के लिए चेक करो, अब पानी क्यों देना कि ये पानी एब्जॉर्ब करता है या नहीं, पर जंप लगा लूं मैं बस। क्या लेना, चॉकलेट लेनी है? अच्छा तो इतनी सारी पार से पहले क्या मार रही है, आप ही करें ना, मैं इसे चॉकलेट दे के आती हूँ। अल्लाह करे हो जाए, गाड़ी साफ हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत आसान से आप यार जाने की देखिए ऐसे नहीं बिछेगी ना, ये तक ही हमारी साइड है यार, मैं खुद डाल दूंगी, जैसे आप डाल रहे हो ना, आपको बहुत मेहरबानी, आपने मैट्रेस बिछवा दिया मेरे साथ, थैंक यू सो मच। तो सर वीडियो है, पता नहीं कब देंगे, ये अगली बर्थडे तक मिल जाएगा, दे दूंगा।
बैठ जाए नहीं टूटता। ये सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और मैंने शेयर कर दी है। अब मैं इसको एडिट करके अपलोड करूंगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यार मैंने ऑयल की वीडियो अपलोड की है दूसरे चैनल पे, तो आप जाके देख लेना। उस वीडियो पे आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, तो जल्दी से जाएं वो वाली वीडियो देखें, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें बाकायदा लाइव शेयर किया है कैसे मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, मैं पूरी गंजी हो गई थी यहाँ से, और उसका कैसा रिजल्ट मिला। तो जिसने नहीं देखे ना वो जाके उस वीडियो को देखे और फिर वो ऑयल यूज करे और फिर मेरे साथ अपने रिव्यू जरूर शेयर करना। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।